धीरे 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 चल लगा। अरे यार जोर से मैं चलता हूँ जोर से। चलो धीरे 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 चल लगा। अरे यार जोर से मैं चलता हूँ जोर से। चलो साइकिल से तो पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ पिछले 27 साल से। अब मेरा कुछ घर वगैरह नहीं क्योंकि घर पूरा छूट गया है। अब तो पूरा देश अपना घर है, पूरा देश अपना परिवार है, यही मैं सोच के अब मन पे ठान के पूरा देश में भ्रमण कर रहा हूँ। एक बार नहीं पूरा 6 बार का भ्रमण कर रहा हूँ। ये दहेज प्रथा ये घर से शुरुआत होती है। मेरे घर से बहन की शादी में दहेज की दिक्कत हुई थी तो मुझे लगा ये दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए समाज में, क्योंकि इसके वजह से हमारे समाज में हम सोचते हैं कि ये प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन जो इसको बढ़ावा देते हैं ना, मैं उनको कलंकित समाज मानता हूँ। इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिनके पास है खुशी से देना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खेती जमीन बेच के वो जो शादी कराता है अपनी बहन की अपनी बेटी की, ये बहुत कठिन समस्या है हमारे समाज में। इससे देखिए मैं, इससे करप्शन बढ़ता है, इससे समाज में नकारात्मकता की भावना पैदा होती है, ये एक निगेटिविटी, फिर इससे बहुत सारी समस्या है, फिर ये दहेज प्रथा किस लिए भाई। इसीलिए मैं पूरे देश में घूम घूम के साइकिल के जरिए, ये साइकिल तो मेरा जाने का माध्यम है, ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन इस देश में 6 बार का भ्रमण में 10 साइकिल चेंज किया, ये तो मेरी अपनी समस्या तो बहुत है, क्योंकि मैंने अपनी समस्याओं को सब कुछ छोड़ के पूरा निकल गया।